नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये आफ्टरनून की अपडेट है और इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखिए, मार्केट में चल रही है प्रॉपर प्रीमियम ईटी। मार्केट निफ्टी जो है आपका 10 10 साढ़े 10 के लगभग बीच में 18,190 के आसपास आ गया था, तब से लेके अब तक वहीं चल रहा है। और सुबह जैसे ही आपको मैंने कहा था कि भैया 350 के अबव 15 मिनट की एसएल की क्लोजिंग लगा के शॉर्ट ही करना है, तो वहां से तो पैसा बना है, ठीक है। उसके बाद से मार्केट एक जगह आके टिक गया है और टेलीग्राम पे मैंने मैसेज लिख के बता भी दिया था कि एग्जिट योर पुट एंड फर्दर सेल बिलो 17,170 ओनली। तो अब यहां से देखिए, अगर तेजी होती भी है, जैसे कि मार्केट में होता क्या है, आप देखेंगे पिछले एक महीने में 2.5 पौने 3 230-245 के आसपास मार्केट एकदम से तेजी करता है। सी बिल्कुल भी बाय नहीं करनी है, तेजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगले 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट 18,100 के आसपास आने की पूरी उम्मीद है। तो या तो आप एक काम कीजिए, कल अगर ऊपर खुलता है तो सेल करने का अच्छा मौका है, ठीक है, बढ़िया मौका होगा, आप अच्छी तरह सेल कर सकते हैं। या फिर आप अगर यहाँ से पुट लेते हैं तो आपको जब ऊपर खुलेगा तो वहां पे आपको पुट एवरेज करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और इस चीज का एसएल है जो 18,350, इसके ऊपर 15 मिनट भी मार्केट ट्रेड कर जाता है तो ये पुट का जो है ऐसे लिट हो जाएगा, ये जरूर नजर में बना के रखिए। और अगर मार्केट यहाँ से तेज भी होता है तो मेरा कहना यही है, तेजी मत करके जाइएगा। और रिस्क ले सकते हैं तो आप पुट बाय कर सकते हैं, नहीं तो कल मार्केट खुलेगा, आप कल शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे जो मुझे लगता है मार्केट कल भी साइडवेज ही रहेगा, वो परसों एक फॉल देगा 18,100 बिलो इसके नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है। बैंक निफ्टी कहीं से बेयरिश नहीं है, बैंक निफ्टी हल्का सा साइडवेज रह के आज और कल में वो फ्राइडे 11-12 बजे के बाद से एक तेजी पकड़ लेगा और उसके टारगेट ऊपर के ही है, जैसे मैंने आपको कल एनालिसिस करके शेयर किया था, ठीक है दोस्तों। बस गुजारिश आपसे ये है कि मेरी ये सिर्फ पर्सनल एडवाइस है, आप बाय और सेल का बटन दबाते हैं तो किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही दबाइएगा, मैं गलत साबित हो सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको बेनिफिट हो रहा हो जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और मैंने आपको बाय से मना करने के लिए बोला है, शॉर्ट ही करिए, ऊपर की तरफ खुलता है, सेल ही करना है, मार्केट आएगा नीचे 18,100 के आसपास आएगा, कल आ सकता है या परसों आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है, वो आना चाहिए, जो मेरी स्टडी बोलती है एक बार आना चाहिए 18,100 के आसपास, उसके नीचे भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।